हेलो फ्रेंड्स, कृष्णा की रसोई में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगी मलाई में से दूध किस तरह निकाला जाता है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मेरे 5 दिन की मलाई है जो अपना नॉर्मली दूध आता है। मैं उसे गर्म करके ठंडा करके फ्रिज में रख देती हूँ, जो उसमें मलाई जमती है। फिर उसको मैं चम्मच के साथ निकाल के इस कंटेनर में जमा कर देती हूँ और इसे चम्मच से हिला के फिर इसे फ्रिज में रख देती हूँ। इस तरह मैं 5 दिन तक मैंने मलाई इसी तरह इकट्ठी कर रखी है। इसमें मैंने किसी प्रकार की खटाई नहीं डाल रखी है। अब मैं इस मिक्सी के जार में आपको मैं बताऊंगी कि ग्राइंड करके किस तरह हम इसका दूध निकालेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, अब मैंने इसमें मलाई डाल दी है। अब इसमें हम थोड़ा पानी डाल के इसको हम ग्राइंड कर लेंगे। फिर मैं आपको बताऊंगी किस तरह हम इसमें दूध निकालेंगे। देखिए फ्रेंड्स, मैंने मिक्सी में ग्राइंड कर लिया है। ये अपना ये मक्खन अलग निकल गया है और ये दूध अपना अलग निकल गया है। अब मैं आपको बताऊंगी ये मक्खन अलग निकाल के अपना दूध कितना इसमें बचा है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने इसमें मक्खन निकाल रखा है, ये देख सकते हैं आप। और ये अपना ये दूध निकल गया है। अब आप ये देखिए कि अपने 5 दिन की मलाई के अंदर मैंने 1 लीटर इसमें से दूध निकाला है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको इसी तरह अगर दूध निकालना हो तो प्लीज आप जिस तरह आप वो मलाई लेते हो, आप चाहे एक देखिए फ्रेंड्स, ये आप इस दूध को अब आराम से आप गर्म करके इसे पनीर भी निकाल सकती हैं और आप इसे इससे आप दही भी जमा तो फ्रेंड्स आप इससे आप दही भी जमा सकते हैं। अगर आप मलाई एक दिन में 2 बार कंटेनर में डालते हो तो इसे चम्मच से अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए और इस तरह आप एक दिन में 3 बार चम्मच की सहायता से इसे मिक्स करके फ्रिज में रख दें। इससे आपके दूध में कोई स्मेल नहीं आएगी। जब भी आप दूध गर्म करें तो इससे आपका पनीर भी अच्छा बनेगा और आप चाहे तो इसे दही भी बना सकते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट देना ना भूलें। थैंक यू।